प्रिय मित्रों, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने सब्जेक्ट मैथ में करणी के बारे में बताएंगे। करणी क्या है और करणी से संबंधित प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं, करणी कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको परिचय कराएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले करणी किसे कहते हैं, करणी क्या है। संख्या कोई भी संख्या हो, संख्याओं के मूलों को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वही करणी कहलाता है। संख्याओं के मूलों को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसी को करणी कहते हैं। और करणी का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, हम इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, इसको हम करणी कहते हैं। मतलब करणी को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि करणी कितने प्रकार की हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं करणियों के प्रकार। करणियों के प्रकार हम पढ़ते हैं पहले, करणियों के प्रकार। करणियों के प्रकार में हम देखेंगे कि करणियां कितने प्रकार की होती हैं। तो करणियों के प्रकार में हम देखेंगे, सबसे पहले हम आपको बताते हैं शुद्ध करणी। शुद्ध करणी के बारे में बताते हैं कि शुद्ध करणी क्या है। प्योर सर्ड्स, पहला है शुद्ध करणी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्योर सर्ड्स। आप शुद्ध करणी के बारे में पढ़ेंगे कि शुद्ध करणी क्या होती है। प्योर सर्ड्स इंग्लिश में इसे बोलते हैं, जिसमें एकक परिमेय गुणनखंड हो, जिसमें एकक परिमेय गुणनखंड हो, इसके अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। जिसमें कोई और गुणनखंड ना हो, एकक परिमेय गुणनखंड हो, उसे शुद्ध करणी कहते हैं। वह करणी या वह करणियां जिनमें एकक परिमेय गुणनखंड हो और उसका कोई गुणनखंड ना हो, वे क्या कहलाएंगी, शुद्ध करणियां कहलाएंगी। जैसे जैसे आपको हमने बताया रूट थ्री, इसी तरह से चाहे रूट फाइव हो या रूट सिक्स हो, आप देख रहे हैं कि इनका जो है कोई और गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक ही है। मतलब इनमें वन से ही यहाँ गुणा है, यहाँ और कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है तो वन तो सबका गुणनखंड है, वन से तो सभी में गुणनखंड है, इसीलिए एकक गुणनखंड कहा जा रहा है। तो वन से सभी में आपको वन से सभी में गुणा हुआ मिल रहा है, या वन जो है इन सब का गुणनखंड है, इसलिए क्या है, एकक परिमेय गुणनखंड इसमें मिल रहा है, इसके अलावा और इनका कोई गुणनखंड हमें नहीं मिल रहा है। ऐसी दशा में हम क्या कहेंगे कि ये शुद्ध करणियां हैं। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की जो करणी होगी वो होगी मिश्र करणी। मिश्र करणी को हम अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड सर्ड्स, अब मिक्स्ड जैसे इसका नाम ही है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, इसमें यहां जो आपने देखा कि इसका एकक गुणनखंड होता है और इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, इसका एकक गुणनखंड होगा लेकिन इसके अलावा कोई और भी गुणनखंड होगा। ऐसी दशा में यदि हमें करणी मिलती है तो हम उसको मिश्र करणी कहते हैं।
मतलब जिसमें एकक परिमेय गुणनखंड के अतिरिक्त या इसके अलावा और भी कोई गुणनखंड हो या और भी कोई परिमेय संख्या मौजूद हो तो हम क्या कहेंगे कि ये मिश्रकरणी है। जैसे आप देखिए यहां 4 रूट 3 के साथ में गुणनखंड के रूप में है, तो एकक परिमेय गुणनखंड के साथ में एक और एकक परिमेय गुणनखंड तो है ही, एक तो सभी का गुणनखंड है, उसके साथ में यहां 4 भी इस अपरिमेय संख्या का गुणनखंड है। आप देख रहे हैं कि 4 जो है इस अपरिमेय संख्या का गुणनखंड है, रूट 5 का गुणनखंड यहां 3 है, तो देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या भी इसमें शामिल है अपरिमेय संख्या के साथ, मतलब 3 जो है इस रूट 5 का गुणनखंड है। ऐसी दशा में हम कह पाएंगे कि इसमें अपरिमेय के साथ परिमेय भी शामिल है तो यह मिश्रकरणी है, मतलब जिसमें अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आपको मिले मिश्रकरणी कहलाएंगी। तो मिश्रकरणी में क्या है, करणी के साथ में भी, करणी तो है ही, करणी के अंदर कोई संख्या भी है और उसके बाहर भी कोई संख्या है, और कोई संख्या ना होती तो 1 होता जैसे इसमें था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कोई परिमेय संख्या है तो फिर हम क्या कहेंगे ये मिश्रकरणी है। अब हम देखते हैं तीसरी प्रकार की कौन सी करणी है। तीसरे प्रकार की करणी हम देखते हैं सजातीय करणी। सजातीय करणी हम किन्हें कहते हैं, सजातीय करणी मीन्स लाइक सड्स, सजातीय करणी को इंग्लिश में बोलेंगे लाइक सड्स, सजातीय करणी इंग्लिश में इसको बोलेंगे लाइक कर्ड्स, लाइक सड्स, लाइक सड्स। चलिए देखिए, देखिए लाइक मीन्स होता है समान या एक तरह की, और सजातीय का मतलब भी है एक ही जाति के या एक ही तरह के, मतलब ऐसी करणियां जिनमें उनके अपरिमेय गुणनखंड एक समान हो, जिनमें उनके अपरिमेय गुणनखंड एक समान हो। और दूसरी बात, हम इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, ऐसी करणियां जिनके करणी के घात और करणीगत संख्या, करणी के घात और करणीगत संख्या समान हो, करणी के घात तथा करणीगत संख्या समान हो। तो करणी का घात और करणीगत संख्या देखिए, यदि हम रूट 3 लिख देते हैं तो करणीगत संख्या यहां क्या है 3 है, और करणी की घात क्या है यहां कुछ नहीं है तो 2 मान लिया जाता है। और ऐसी दशा में अब देखिए फिर से अगर ऐसे लिखा है तो आप ये देख रहे हैं कि घात भी करणीगत, घात भी इनकी करणी की घात भी समान है और करणीगत संख्या भी समान है। तो जब करणीगत घात, करणीगत संख्या और करणी की घात दोनों समान हो तो फिर हम ये कह पाएंगे कि ये सजातीय करणियां हैं। या इसको हम इस प्रकार से भी हमको देखने को मिलेगा कभी कभी कि जैसे 2√3 लिखा हुआ है, तो 2 जो है इसका एक गुणनखंड है तो, और रूट में 3 है, तो हम देख रहे हैं ये सब रूट 3 वाले ही हैं, समान जाति वाले हैं या एक ही तरह के करणी वाले हैं, लेकिन और इनकी घातें भी समान हैं, तब हम देखेंगे कि ये समान घात और समान संख्या वाले, मतलब करणीगत संख्या जो है वो समान है और इनकी घातें समान है, तो ये क्या कहलाएंगे सजातीय करणी या लाइक सड्स कहलाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं विजातीय करणियां क्या होती हैं। विजातीय करणियां जो है सजातीय करणी का जस्ट अपोजिट है। विजातीय करणियां कौन सी होती हैं, विजातीय करणी किसे हम कहते हैं, विजातीय करणी का मतलब है लाइक का अपोजिट अनलाइक, अनलाइक सर्ड्स, अनलाइक सर्ड्स। देखिए आपने सजातीय करणी में पढ़ा कि करणीगत संख्या समान हो और क्या हो, और उनकी घातें भी समान हो, ऐसी दशा में हम कह पाएंगे कि सजातीय करणी है। लेकिन विजातीय करणी में जस्ट अपोजिट है,
विजातीय करणी में क्या है, करणी की घात या करणीगत संख्या असमान हो सकता है, असमान होता है, हो सकता है नहीं होता है, मतलब करणीगत संख्या, देखिए ये करणीगत संख्या असमान हो गया, देख रहे हैं ना, करणी में इसमें संख्या तीन है और इसमें पांच है, तो करणीगत संख्या असमान हो गई, जबकि घाते क्या है, समान है, तो घाते समान हो और करणीगत संख्या असमान हो ऐसी दशा में भी हम कहेंगे कि विजातीय करणी है, समझ रहे हैं। विजातीय करणी कब होगा, जब दो में से कुछ भी असमान हो या फिर दोनों असमान हो, मतलब अगर दोनों असमान है, मान लीजिए ऐसे है, इस प्रकार से है, ऐसे, चलिए अच्छा एक एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए अब देखते हैं हम ऐसी दशा में कि यहां इन दोनों को अगर हम देखें तो यहां करणीगत संख्या अलग अलग है जबकि घाते समान है, और इसमें हम देखें इन दोनों को अगर लेते हैं तो यहां करणीगत संख्या समान है और यहां घाते असमान है, और इन दोनों को हम देखें तो यहां घाते समान है लेकिन करणीगत संख्या जो है असमान है। तो ऐसी दशा में हम देखते हैं कि हमने बताया आपको कि यदि विजातीय करणी कब हम कहेंगे, यदि उनकी करणीगत घाते, उनकी करणी की जो घाते हैं वो असमान हो या फिर क्या हो, करणीगत संख्या, करणीगत संख्या जो हमें तीन और पांच मिल रहा है ये असमान हो या फिर दोनों असमान हो, मान लीजिए इसमें इसमें तो देख रहे हैं करणीगत संख्या दोनों में सेम है और क्या है, घाते असमान है, लेकिन अगर करणीगत घाते और करणी की घात और करणीगत संख्या दोनों अगर असमान हो तब क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि करणी की जो घाते हैं वो असमान है और करणीगत संख्या भी असमान है, ऐसी दशा में विजातीय करणी हम इनको कहेंगे। तो विजातीय करणियों की क्या पहचान है, विजातीय करणियों की पहचान है कि ऐसी करणियां जिनमें उनके अपरिमेय गुणनखंड एक समान ना हो, देखिए इनके अपरिमेय गुणनखंड जो हैं ये एक समान नहीं है, और देखिए इनके अपरिमेय गुणनखंड एक समान नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है, घात दो है, यहाँ तीन है, तो ये अलग अलग हो गए। यहाँ भी देखेंगे हम इनके करणीगत संख्या जो है असमान है और इनकी घातें असमान है, तो हम ये देखेंगे कि जिनके ऐसी करणियाँ जिनके अपरिमेय गुणनखंड एक समान ना हो उन्हें विजातीय कहेंगे, लेकिन मैंने जो आपको अभी दूसरी बात बताई कि हम दूसरे तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि करणी की घात या करणीगत संख्या, करणी की घात ये है और करणीगत संख्या ये है, इन दोनों में से यदि कोई असमान हो, दोनों में से कोई असमान, मीन्स करणीगत संख्या यहां समान है, घात तो समान है, दोनों में से कोई असमान हो या फिर दोनों ही असमान हो, जैसे हम एक एग्जाम्पल इसको ले लें और जैसे एक एग्जाम्पल इसको ले लें और इसको ले लें, इन दोनों को हम लेते हैं तो हम देखने को पाते हैं कि यहाँ करणी की घातें जो हैं असमान है और करणीगत संख्या भी असमान है, ऐसी दशा में भी हम इसको क्या कहेंगे, विजातीय करणियां हैं। चलिए अब देखते हैं एक और प्रकार, हम देखते हैं अब संयुग्मी करणी, संयुग्मी करणी, कंजुगेट सर्ड्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कंजुगेट सर्ड्स, कंजुगेट सर्ड्स का मतलब हुआ संयुग्मी करणी, संयुग्मी, युग्म मीन्स जानते हैं, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, संयुग्मी मीन्स साथ में रहे, जोड़ा साथ में रहे, मतलब जैसे आप इस प्रकार से ले लें एक एग्जाम्पल, मान लीजिए इस प्रकार से है तो इसकी संयुग्मी करणी क्या होगी, ये संयुग्मी करणी में आपको देखने को मिलेगा कि इनके दो पद होंगे, ये दो पदों वाली करणियां होंगी,
देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, इसमें भी देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, दो पदों वाली करणियां होंगी और क्या होगा, दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। ऐसी दशा में हम कह पाएंगे कि ये संयुग्मी करणियां हैं या कंजुगेट सर्ड्स हैं। चलिए आपने अभी पढ़ा कि करणियां कितने प्रकार की हैं, वो मैंने आपको समझा दिया कि करणियां कितने प्रकार की हैं, शुद्ध करणी, मिश्र करणी, सजातीय करणी, विजातीय करणी और संयुग्म करणी के बारे में आपने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इन करणियों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, कैसे हल करते हैं, चलिए हम उसके बारे में थोड़ा समझ लें। एक दो एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, बाद में इसका फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं करणी का। देखिए करणी के कई तरह के प्रश्न आते हैं। पहले तो करणी में जो है आपको मिलेगा कि करणियों को आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, और या फिर करणियों का जोड़ घटाना गुणा भाग मिलेगा, या उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब मिला कर दिया रहेगा करणी के अंदर, या अलग अलग करणियों में रहेगा, उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं, या फिर कभी कभी संयुग्मी करणी के रूप में भी आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकता है प्रश्न। तो हम अभी तो ये समझें कि पहले हम करणी को सॉल्व कैसे करते हैं और या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए हमें इस प्रकार से दिया गया है रूट एट, हमको जो है कहा गया कि आप इसको सॉल्व करें या इसका हल निकालें। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी अंदर है उसको हम क्या करेंगे, जो करणीगत संख्या है उसको हम पहले इसका फैक्टर कर लेंगे। आप देखते हैं एट, एट का आप फैक्टर करेंगे तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, इस प्रकार से हमने फैक्टर इसका किया तो क्या हो गया, 2 × 2 × 2। अब आपको ध्यान ये देना है कि करणी की घात यहां क्या है, यहां कुछ नहीं लिखा है। देखिए यहां मैंने एग्जांपल में दिखाया है आपको, इसमें देखिए यहां 3 लिखा हुआ है और यहां कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो यहां पर 2 होता है, इसीलिए हम इसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल, वर्ग मीन्स 2, जिसकी घात 2 हो। तो देखिए हम इसको वर्गमूल बोलते हैं इसीलिए, और यहां जब कुछ नहीं है तो 2 होगा, और यहां जब 3 है तो हम बोलते हैं इसको घनमूल। ये मैंने आपको घनमूल और वर्गमूल वाले चैप्टर आपको वीडियो में पढ़ाया था। अब आप देख लें कि यहां पर जब कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, हम यहां 2 समझते हैं, और ऐसी दशा में 2 2 का पेयर बनता है। तो देखिए यहां पर 2 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बन पाएगा और दूसरा सिंगल रह जाएगा, उसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो जिसका पेयर बनेगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा 2 2 2, 2 की घात 2। अब हम देखेंगे यहां बाहर क्या है, यहां बाहर करणी की घात 2 है। जब करणी की घात 2 है तो इसका मतलब हुआ है कि अंदर कोई भी चीज यदि 2 बार है या उसकी घात 2 है तो हम उसको बाहर एक बार लिख सकते हैं। तो हम इसको जो है बाहर एक बार अगर ऐसे लिखेंगे तो अंदर अभी बचेगा ये 2, तो हमारा आंसर होगा 2√2, हमारा आंसर हो जाएगा 2√2। चलिए हम इसी प्रकार से आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं। ये वर्गमूल ही आप अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम आपको एक दूसरा उदाहरण लेकर समझाते हैं कि मान लीजिए इस प्रकार से लिखा है और यहां जो है 4 लिखा है तो आप क्या समझेंगे। देखिए इसका मतलब हुआ कि ये चतुर्थ मूल इसका निकालना है हमें। अब ऐसे दशा में हम क्या करेंगे, 32 का पहले फैक्टर करेंगे, जैसे इसमें फैक्टर किया गया है 32 का हमने फैक्टर पहले कर लिया। इस प्रकार से देखिए 2 से पहले करेंगे, 2 1 2, 2 6 12,
टू एट जा 16, टू फोर जा 8, टू टू जा 4, टू वन जा 2, तो कितना मिल गया हमें, हमें मिल गया 2 2 2 2 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलिए हमने लिख लिया जो था। अब क्या करेंगे, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमें दिखाई दे रहा है कि 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, 4 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, लेकिन सेम होने चाहिए, देखिए 1 2 3 और 4, हम लिखेंगे अब इसको इस प्रकार से 2 into 2 to the power 4। और अब हमने अभी जैसे इसमें आपको बताया कि यहां जो लिखा हुआ है, हम इसको देखेंगे पहले, जो इसकी घात है, तो इतनी ही घात वाला जो हमें अंदर दिखाई देगा हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर उसको निकालेंगे, करणी के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये अकेला बचा है तो ये बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके और एक दो एग्जांपल आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए हमने एक बात बताई कि इसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। मान लीजिए हमें इस प्रकार से दिया गया, ये हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि इसको आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में करें। तो देखिए दो में से एक हम पहले करते हैं, आरोही क्रम में हम कैसे करेंगे। आरोही मीन्स जानते हैं, आरोह मीन्स होता है चढ़ना या बढ़ना, तो आरोही क्रम का मतलब हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये क्या है, आरोही क्रम है। आरोही क्रम में हम बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ये आरोही क्रम में कैसे बन पाएंगे या हम इसको आरोही क्रम में कैसे लिख पाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें इनकी घातों को समान करना होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां हमें घात क्या दिखाई दे रहा है, 4। यहां क्या दिखाई दे रहा है, घात कुछ नहीं है तो 2 है, यहां घात क्या है, 5 है, तो ये सब समान नहीं है, असमान है, 4 है 2 है और 5 है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले करणी की घातों को हम समान करेंगे, और समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 4, 2 और 5 का एलसीएम निकालना होगा, 4, 2 और 5 का एलसीएम निकालना होगा। चलिए देखिए, 2 दूना 4 इस प्रकार से, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2 और 5, फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 एक कम 5। अब हम देख रहे हैं कि हमें जो प्राप्त हुआ एलसीएम, एलसीएम जो हमें मिला वो मिला 2 गुणा 2 गुणा 5 से, हमें क्या मिल जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20, हमें एलसीएम 20 मिल गया। तो हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे कि यहाँ जो घातें हैं इनको हमें समान करना था, तो 20 हमारा जो एलसीएम निकला है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे इस प्रकार से। और क्या करेंगे, इस 4 से इस 20 को भाग देंगे, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 4 से 20 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 5 20, 5 बार। तो करणीगत संख्या जो है उसके ऊपर हम घात लगा देंगे, चाहे आप ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, ऐसे ही लिखें, क्योंकि और कोई संख्या तो है नहीं। तो देखिए 4 5 20, तो इसके ऊपर घात 5, ऐसे हो जाएगी घात। अब आप देखिए इसी तरह से इसको भी करना है, आप इसको करेंगे तो यहाँ क्या था, यहाँ 2 था, हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 20 लिखेंगे, क्योंकि घात तो हमें समान करना है और उसी के लिए हमने एलसीएम निकाला है।
तो देखिए अब घात समान हो रहा है, यहां भी 20 हो गया। अब क्या करेंगे, कर्णिका संख्या जो है उसको लिख देंगे, और यहां दो था तो दो से इसको भाग देंगे, दो से इसको भाग देंगे और क्या करेंगे, यह संख्या थोड़ा छोटी ले लें, नहीं तो आपको अभी बड़ी कठिनाई हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। चलिए हम दो ले लेते हैं, तो आप देखिए इससे अभी आपको लाभ होगा, जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए तरीका आप सीख लें, फिर तो कोई भी संख्या हो कर लेंगे। देखिए आप ये 20 ये लिखा, अब देख रहे हैं कि घात इसकी समान हो रही हैं, और 2 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 10। ऐसे अब हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ हमने जो एलसीएम लिया वो 20 आया, तो वही एलसीएम सब में लिखना है, यहाँ भी हम लिख देंगे वही एलसीएम 20। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे घात 5 था, तो 5 से हम 20 को भाग देंगे, 5 से 20 को जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो हम क्या करेंगे 3 की घात 4 लिख देंगे। इस प्रकार से हम पहले इसको घातों को हम पहले समान कर लेंगे। अब देख रहे हैं हम जब घातें समान हो गई हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब अंदर की चीजों को हम थोड़ा सा हल कर लें, अंदर क्या है 5 to the raise 5 या 5 to the power 5 मीन्स 5 की घात 5, इसको आप सॉल्व करें। 5 की घात 5 का मतलब है 5 को आप इस प्रकार से 5 बार गुणा में लिख सकते हैं, चलिए। और ये देखिए अगला क्या है, दो की घात 10 का मतलब है 2 को 10 बार इस प्रकार से लिख लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और लंबी संख्या हो जा रही भाई। चलिए इसी प्रकार से अब हम इसको भी कर लें, ट्वेंटी आप देखेंगे कि घात जो है समान हो चुका है, तो हम अब वही घात लिखेंगे, इस प्रकार से 3 को हमें 4 बार गुणा करना है, ऐसे। अब हम इसको हल करें और आगे चलिए देखते हैं, 5 × 25 25 × 125 125 में 5 से फिर गुणा करिए, आप इस प्रकार से कर लीजिए, देखिए 125 में 5 से गुणा करिए, 5 × 25 और 5 × 10 और 2 कैरी हुआ, 5 × 25 तो 2 कैरी हो गया था, 5 × 10 और 2 12 का 2, फिर कैरी 2 ने कैरी 1। अब क्या करेंगे, 5 × 5 = 6, 625 आ गया। आपने देखा 125 में जब 5 से गुणा कर रहे हैं तो 625 हो गया, 5 × 25 कैरी 2, 5 × 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 × 5 = 6। अब हम फिर से अभी एक और 5 से हमें गुणा करना है, उसको भी हम गुणा कर दे रहे हैं इस प्रकार से, 5 × 25 का 5 कैरी 2 और 5 × 10 या 5 × 10 2 12 का 2 कैरी 1, 5 × 36 = 31। फिर से आप चेक कर लीजिए, 5 × 25 और 5 × 10 2 12 और 5 × 25 नहीं 5 × 36 = 31। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी संख्या 3125। और इसमें हम अब देखेंगे कि इसका भी हम गुणा कर लें, तो 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 32 × 64 64 × 128 128 × 256 और 256 × 512 512 × 1024।
चलिए अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं अगले वाले को। इसमें भी हम देखेंगे ये छोटा ही लिखा जाता है। आप देखिए 3 * 9, 9 * 27, 27 * 81। इस प्रकार से हमने इसको पहले तो हमने क्या किया, इनको समान घात वाली करणी में बना लिया, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, अंदर घातों को लिखकर हमने उसको इस प्रकार से गुणा करके हल कर लिया। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है अंदर, क्योंकि बाहर तो अब घातें इसकी समान हो चुकी हैं, तो अब बाहर की घातों में छोटा बड़ा नहीं रह गया, इसीलिए इसको समान करना पड़ा था। अब अंदर हम देखेंगे जो करणीगत संख्या जो है वो छोटी और बड़ी कैसे है। तो हम देख रहे हैं सबसे छोटी ये है और उससे बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी ये है। तो हम देख रहे हैं कि हमको आरोही क्रम में अगर लिखना है, देखिए ये अवरोही क्रम में पहले से ही है। अवरोही मीन्स घटते हुए क्रम में, घटते हुए का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस प्रकार से बड़ा से छोटा, तभी तो घटता हुआ क्रम होगा, अवरोही क्रम है। और ये देखिए यहां वही हुआ है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये आपका अवरोही क्रम हो चुका है। पहले इतना इज, हम इसको लिख सकते हैं इतना इज ग्रेटर देन, इतना इज ग्रेटर देन इतना, ये हो गया इसका अवरोही क्रम। अगर आरोही क्रम में लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से 81 इज लेस देन, ये अवरोही क्रम है, आरोही क्रम हम बना रहे हैं। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए या चढ़ते हुए, तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा, इतना इज लेस देन किससे, इससे, फिर उसके बाद इतना इज लेस देन इससे, तीसरी जो हमारी संख्या है। ये देखिए ये आपका आरोही क्रम हो गया और ये अवरोही क्रम हो गया। आपको आरोही और अवरोही दोनों क्रम मिल गया है इसमें। ये इसका अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम, और ये है आरोही क्रम, आरोही क्रम। आप देख रहे हैं कि आरोही और अवरोही दोनों क्रम आपको समझ में आ गया होगा। आरोही क्रम मीन्स, आरोह मीन्स चढ़ना या बढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले छोटा फिर बड़ा तो बढ़ता हुआ जाएगा। और अवरोही मीन्स घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो घटते हुए क्रम में। तो ये जो है आप देख रहे हैं घटते हुए क्रम में है, ये बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, और ये क्या है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये आरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब हम और भी इनके तरीके देखेंगे, और भी कई तरीके के प्रश्न आते हैं सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैलकुलेशन में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ करणीय अकेले हम पढ़ रहे हैं तो करणीय में ही इसकी जरूरत है, करणीय की आवश्यकता तो कैलकुलेशन में हर जगह है, बहुत सारे प्रश्नों। चलिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं 5 + √6/5 - √6। मान लीजिए हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है और हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है जब इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखते हैं तो सबसे पहले जो करणी के अंदर जो प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए ये आपको दो पदों में है, ऊपर भी और दो पदों में नीचे भी है। तो हम क्या करेंगे, जब
करणी के अंदर इस प्रकार का अगर प्रश्न हमें मिल जाए तो हम पहले ऐसा करेंगे कि जो नीचे जो हमें दिखाई दे रहा है आपका हर में, हम इसके उल्टे चिन्ह से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो उल्टे चिन्ह का मतलब इसको हम ऐसे लिख दें ब्रैकेट में, और उल्टा चिन्ह का मतलब ये हो गया कि देखिए 5 माइनस 2 रूट 6 जो है इसको हम 5 प्लस 2 रूट 6 करते हैं। इससे हम गुणा ऊपर और नीचे दोनों कर देते हैं जिससे हमें ये स्क्वायर बन जाएगा तो और सॉल्व करने में आसान हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। हमने क्या किया, इसके विपरीत चिन्ह से और सारी चीज़ें वही रहेंगी, चिन्ह इसका हम बदल देंगे और इससे हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं ऊपर जो है वही हमें दो बार मिल गया है, 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 प्लस 2 रूट 6। जब ये दो बार मिल गया है तो हम इसको क्या करेंगे, 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। और नीचे जो हमें मिला है, नीचे वाले को अब देखिए, चाहे हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम एक ही करणी में दोनों को रखें या फिर दोनों की अलग अलग करणी भी हम कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम अभी एक ही करणी में, जैसे क्वेश्चन दिया है तो अभी एक ही करणी में हम कर ले रहे हैं ऐसे। और यहाँ देखते हैं कि हमें एक बार कोई चीज़ प्लस में मिली है और प्लस में मिली है वही चीज़ हमें माइनस में मिल रही है। तो हम देखते हैं, हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इस प्रकार से आपने एक फार्मूला पढ़ा था। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रेस एंड इन ब्रेस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा कब, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, या जब ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हमें इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिल रहा है क्वेश्चन, तो हम उसकी जगह पर इसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमारा मामला है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी हमें मिल रहा है, दोनों इंटू में है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू में है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में यदि हो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर और माइनस बी मीन्स 2 रूट 6 का स्क्वायर, ये हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब हम इनको अलग अलग करणियों में बांट लें तो आराम रहेगा। अलग अलग करणियों में इस प्रकार से बांट लेते हैं, ऊपर वाले को हम अलग लिख लें एक करणी में 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर अपॉन, ये अलग करणी में हो जाए 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। चलिए इसको हम हल करते हैं। अब आगे देख रहे हैं, हमने आपको करणी में अभी बताया था कि जब कोई चीज़ अंदर इसके हो और उसकी घात उतनी ही हो जितनी घात यहाँ बाहर हो, तो हम देख रहे हैं यहाँ करणी की घात क्या है, 2 है, और अंदर जो करणीगत संख्या है उसकी घात कितनी है, 2 है। जब दोनों सेम घातें हों तो हम इसको करणी के बाहर लिख सकते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 करणी के बाहर हो गया और इस पूरे से अब करणी निकल गया। तो अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, नीचे क्या है 5 स्क्वायर मीन्स कितना, अभी इस पर करणी है और 5 स्क्वायर का मतलब 5 × 5 मीन्स 25 माइनस, या आप ना समझ पा रहे तो अभी हम इसको वैसे ही लिखते हैं 5 × 5। देखिए घात 2 है तो इसका मतलब इसको 2 बार हम ऐसे गुणा में लिखेंगे। इसके बाद हम इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, ये हम 2 रूट 6 को 2 रूट 6 को ऐसे लिखेंगे 2 रूट 6 इस प्रकार से। अब देखिए ऊपर 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन नीचे 5 × 5 = 25 माइनस 2 ×
4 और रूट 6 और रूट 6 का मतलब है रूट 6 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर। या हम आप ये समझिए कि जब करणी में कोई चीज दो बार यदि हो और उनका गुणा हो तो उनकी करणी खत्म हो जाएगी, स्क्वायर से करणी खत्म हो जाएगी, तो वो 6 अकेला बचेगा। अगले उसमें टर्म में हम इसको देख ले रहे हैं, इस प्रकार से हम ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर से करणी, करणी की घात क्या है यहाँ 2 है। कोई भी चीज़ यदि जितना यहाँ है चाहे हम इसको अंदर भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, नहीं अगर समझ में आ रहा तो ऐसे हम कर दें, ये ऐसे करणी के अंदर एक बार है, करणी के अंदर एक बार ये है, दोनों को यदि हम एक करणी में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से भी हम लिखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा तो करणी के बाहर आएगा 6, तो करणी में कुछ नहीं बचेगा तो फिर 6 अकेले हो जाएगा। और यह वैसे ही आप समझ लें कि हम जब रूट 6 से रूट 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट स्क्वायर से हट जाएगा और 6 अकेला हमें मिल जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, अब ऊपर तो करणी है नहीं, ऊपर करणी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस रूट 2 रूट 6 अपॉन नीचे देखेंगे 25 माइनस 6 चौक 24 या 4 छंग 24। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन करणी के अंदर 25 में से 24 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1, क्योंकि 1 की चाहे जितनी हम घातें कर दें 1 ही रहेगा। तो हम ये मान लें कि यहां 1 की घात 2 है, इस प्रकार से हम मान लें चाहे 1 की घात चाहे जितनी हो, तो यहां चूंकि घात 2 है तो हमने 2 ही समझा, और चाहे यहां 2 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो कुछ भी हो, लेकिन इसका जब हम निकालेंगे रूट तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 1 हो जाएगा। और 1 नीचे लिखें या ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से आपका आंसर 5 प्लस 2 रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हमने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया आपको समझाने के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको जब 1-2 बार 3 बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल काफ़ी मैंने कठिन ले लिया, और जो मैंने आपको थोड़ा सा भी पहले बताया था आरोही क्रम में लिखने के लिए, उस तरह के भी प्रश्न आते हैं और इस तरह के भी प्रश्न आते हैं और भी कई तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन हम जो है और सबको आपको इसके प्रैक्टिस सेट में आपको करवा देंगे, हम कुछ क्वेश्चन को एक साथ करवा देंगे इसी से रिलेटेड, करणी से रिलेटेड, तो आसानी से आप समझ जाएंगे और इसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब आप किसी भी बुक से अगर थोड़ा सा अभ्यास करना चाहेंगे तो आपको आसान लगेगा और आसानी से आप कर पाएंगे। फिर भी अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है या आपको कहीं इसमें परेशानी समझ में आ रही है या जो भी मैंने बताया इसमें कहीं आपको कोई परेशानी समझ में आ रही है तो आप कमेंट के थ्रू उसको पूछ सकते हैं, और जैसे भी संभव हो सकेगा मैं आपको जल्द से जल्द उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।